क्या यह संभव है कि हम अपने विचारों को धीरे या फिर कुछ क्षण के लिए बंद कर सके? क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचारों का उद्गमन कहां से होता है? आज हम तीन शक्तिशाली यौगिक प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि जिनसे हम विचारों पर काबू पा सकें। पहला समाधान यह है कि हमें अपने खुद के विचारों को सुनना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार कहां से आते हैं? क्या आपने कभी अपने मन की आवाज सुनी है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओवरथिंकिंग क्या होती है। जब कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें बाहरी परिस्थितियां हमारी योजनाओं के खिलाफ होती हैं और हमारा पूर्वानुमान पूरी तरह से उल्टा होता है, तो हमारा मन विचारों का उत्पादन तेजी से करने लगता है। हमें इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। जब भी ओवरथिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग आपको सताए, तब बस एक काम करें, आंखें बंद करके बैठें और जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें सुनें। उस समय दो प्रकार के विचार हो सकते हैं, या तो वह विचार आपके भविष्य की चिंता के बारे में होंगे या फिर पिछले किसी कर्म के प्रति प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर ये विचार आपकी भविष्य की चिंता के बारे में है तो उन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से कुछ विचार पैटर्न होते हैं जो हमारी क्रियाओं को महसूस करते हैं, और जब हमारी क्रियाएं विपरीत दिशा में चलने लगती हैं तो ये विचार पैटर्न सक्रिय हो जाते हैं और हमें सोचने या सुनने पर मजबूर करते हैं। जब आपने अपने विचारों को सुनना प्रारंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी विचार पूरी तरह से तार्किक हैं और हमारी समस्या का हल प्रस्तुत करते हैं, और जब हमें इनका समाधान मिलता है तो हमें स्ट्रेस से मुक्ति महसूस होती है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इमोशनल सुख कहा जाता है। अगर हम भूतकाल के विचारों की चर्चा करें तो उन्हें गिल्टी या पछतावे व्यक्त करने वाले विचारों के रूप में भी माना जा सकता है। भूतकाल में हुए कुछ काम जिन्हें हमने हालातों और समय की मजबूरी में करना पड़ा, हमें बार बार परेशान करते हैं और हमें उन्हें याद करके शर्म महसूस होती है। अगर इस प्रकार कोई भी गिल्टी को सोल्व करना हो तो याद रखें, जब भी इस प्रकार के भूतकाली विचार आए तब बस उसे सुने। हो सकता है कि आपका मन आपको उस घटना के कुछ दृश्य भी दिखाए जो आपके द्वारा हुए थे। आंख बंद करें और मनोमन कल्पना करके उस स्थिति में जाए और याद करें कि तब क्या क्या हुआ था, और एक एक पल को बहुत ही ध्यानपूर्वक निरीक्षण करे और देखे और समझे कि वो भूल आपसे क्यों हुई। हो सकता है कि वो भूल करने के पीछे आपकी नीयत खराब ना हो, पर कुछ संजोगों के कारण वो भूल आपको करनी पड़ी हो। हर एक व्यक्ति के अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर अगर आप उस समय में मनोमन चले जाए और भूल करने के पीछे की आपकी असली नीयत क्या थी उसे ढूंढ लें, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस कर्म से मुक्त हो सके और उस गिल्टी से बाहर आ सके। आज के समय में अगर कोई परेशान होता है और उसे समाधान ना मिले, तो धर्मगुरु द्वारा एक बहुत बड़ा पाखंड फैलाया गया है जिसे उनकी भाषा में पिछले जन्म के कर्मा कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंसान का जन्म और उनकी मृत्यु कब होती है, और इंसान अपने जन्म के पहले और मृत्यु के बाद कहाँ होता है। और प्रकृति की कुल 84 लाख योनि होती है। आपने ये शब्द शास्त्र द्वारा सुना होगा। 84 लाख योनि मतलब 84 लाख जड़ शरीर, जिसके अंदर प्रकृति की हर कोई जीवंत जड़ वस्तु समाविष्ट हो जाती है। जिस्म, जानवर, फल फूल, पक्षी और मनुष्य भी आ जाते हैं, और ये सभी जड़ वस्तु को योनि कहा जाता है कि जिसके अंदर मनुष्य की जीवंत चेतना वास कर सकती है। ये बात को समझने के लिए हमें मनुष्य की मौत के दौरान चल रहे अनुभव या फिर मौत के बाद के अनुभव को समझना पड़ेगा। इंसानी दिमाग और जानवर के दिमाग, इन दोनों के बीच में एक ही अंतर होता है, विचार का। जानवर का दिमाग विचार को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो सिर्फ अनुभव ही कर सकता है। इसी कारण जानवर की कोई भाषा नहीं होती। कोई शब्द बोलने के लिए भी पहले सोचना जरूरी होता है। जैसे कोई हमें कहे कि जापानीज या फिर कोरियाम भाषा में बोलो, तो फिर कुछ क्षण के लिए हमारे विचार बंद हो जाते हैं। बस उसी तरह हर कोई जानवर की विचारहीन मानसिकता होती है।
ये प्रकृति हमारे विचारों द्वारा हमें कुछ कुछ कहती रहती है, पर हम उसे ओवरथिंकिंग का नाम देकर बस बंद करना चाहते हैं। जब इंसान का अंतिम समय होता है तब विचारों की आवाज बढ़ जाती है और अनुभव की क्षमता बहुत कम हो जाती है। बाह्य आवाज इतनी कम हो जाती है जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। उस समय हमारे जो भी भूतकाली कर्मा थे वो सभी हमारे सामने आने लगते हैं और हमें अंतिम मौका मिलता है उस समय में वापस जाने का और उस कर्मा को सोल्व करने का। जैसे मैंने पीछे बताया कि कोई भूतकाली कर्मा ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचने से भी डरते हैं, बस वो सभी कर्मा ही अंतिम समय में हमारे सामने आते हैं। जैसे हमें कोर्ट में कैसे जज के जवाब देना पड़ता है कि ये काम हमने क्यों किए और क्या हमारी नीयत थी, बस कुछ उस तरह ही हमारे अंदर भी एक चेतना होती है जो हमको सभी कर्मा बंधन से मुक्त करना चाहती है। बाहरी जज में और आंतरिक चेतना में फर्क यह होता है कि बाहरी जज हमारी भूलों की सजा देते हैं और आंतरिक चेतना हमें हर कीमत पर माफ कर देती है। आपने शास्त्र में सुना होगा कि मनुष्य के अंतिम समय में यमराज आते हैं और हमें ऊपर ले जाते हैं और वहां एक चित्रगुप्त होता है जो हमारे पाप पुण्य का हिसाब निकालता है और फिर हमें स्वर्ग नर्क या फिर मोक्ष प्रदान करता है। अगर ये कथा को यौगिक पर्सपेक्टिव से समझे तो अंतिम समय में शरीर कमजोर होने के कारण हम कुछ क्षण के लिए अवचेतन हो जाते हैं और उस समय हमारे साथ हमारे विचार और कल्पना ही होती है। अनुभव या फिर इंद्रिय से हमारे संबंध बंद हो जाते हैं, फिर हमारी कल्पना और विचार चित्रगुप्त की तरह हमारे पुराने कर्मा सामने लाती है और जवाब मांगती है जैसे कोर्ट में जज मांगते हैं। अगर उस समय भी हम विचारों को इग्नोर करें जैसे अभी कर रहे हैं तो उसके आगे हमारी चेतना हमारे शरीर में से बाहर निकलती है और कोई दूसरे जीवंत शरीर में या फिर ऊर्जा के साथ विलीन हो जाती है। असल में उस समय हमारी चेतना बाहर निकलना भी नहीं चाहती, पर जिस तरह हम अब भी हमारे विचारों से डरकर कैसे शीघ्रता से कोई अच्छे अनुभव करना चाहते हैं, बस उसी तरह उस समय हम तरह मौत से डरकर बस शांति प्राप्ति के लिए शांत अनुभव करना चाहते हैं, जिसको हिंदू धर्म की भाषा में मुक्ति कहा जाता है, जिसमें हमारी चेतना शरीर से मुक्त होकर कोई और जगह में प्रवेश कर जाती है। फिर उसके बाद में हमारी चेतना 84 लाख शरीर बदलती है और अलग अलग अनुभव करती है, तब जाके मनुष्य का जन्म फिर से मिलता है। अगर अंतिम समय के संवाद की बात करें तो दो तरह से चेतना हमारे साथ संवाद करती है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस बुरे कर्म के साथ ही लिपटा रहता है तब अलग संवाद हो सकता है, और अगर कोई इंसान योगी की तरह अपनी चेतना को पूरी जिंदगी खुश रखे तब कुछ अलग संवाद हो सकते हैं। पहले बात करते हैं उस इंसान की जो बुरे कर्मा से लिपटा रहता है, कि जिसने खुद को भी परेशान किया और अपनी अंदर की चेतना को भी परेशान किया और दूसरों को भी परेशान किया हो। जब ऐसे कोई इंसान की मृत्यु होती है जो कर्मों से बुरा हो, उसके अंतिम समय में उनकी सभी इंद्रिय अंदर की तरफ मुंह घुमा लेती है और अंदर के कल्पना चित्र और विचार शुरू हो जाते हैं और उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका दिया जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि परमात्मा इतना कृपालु है कि वो आपको अंतिम समय में भी मौका देता है हमारी भूल सुधारने का, पर कुछ लोग जो अहंकारी होते हैं वो अपने अंतिम समय में भी अपने भूलों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपनी चेतना को अपने ही विचारों के द्वारा सुनते हैं, और चेतना कहती है, हे दुर्बुद्धि पुरुष, तू जिसकी तलाश पूरी जिंदगी कर रहा था वो तुम्हारे अंदर ही था, पर तूने मेरी पूरी जिंदगी में एक नहीं सुनी और अपने अहंकार में आकर ना जाने कितने बुरे कर्म बैठा है और अभी भी अपने अहंकार के कारण अपने ही दुष्कर्म को स्वीकार करने से मना कर रहा है। गुजराती भाषा में एक संत द्वारा एक कविता लिखी गई है जिसका नाम है जियो वंजारा। ये कविता हमारे अंतिम संवाद के बारे में लिखी गई है। ये कविता कहती है कि जब हमारी चेतना हमसे रूठ कर अपने अंतिम समय में चली जाती है तब हम एक अनुभव बनकर रह जाते हैं और बस अलग अलग शरीर लाखों साल तक बदलते रहते हैं और अनुभव की ठोकर खाते रहते हैं। जब उस इंसान की चेतना उसके शरीर से निकल जाती है तब बस एक अनुभव इंसान के साथ रहता है और जैसे ही उनका शरीर जल जाता है तब वो शरीर बदल लेता है
और प्रकृति के 84 लाख योनि में से किसी भी योनि में जा सकता है। फिर उसके अनुभव उनके स्वभाव के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं और प्रकृति की लीला में घूमते और भटकते रहते हैं। जब ये आत्मा ठोकर खाती खाती शरीर बदलती है, तब वो खुद व खुद प्रयास करती है कुछ विचार करने की, और ये वही अवस्था होती है कि उन्हें फिर से एक मनुष्य की योनि में आने का मौका मिलता है। और जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा एक सूक्ष्म शरीर ढूंढती है फिर से जन्म लेने के लिए, कामासूत्र शास्त्र के अनुसार जब कोई स्त्री और पुरुष संभोग अवस्था में होते हैं, तब बहुत ज्यादा चांस होते हैं उसके आसपास ऐसी ही स्पिरिट होने के। और जब पुरुष उनके शरीर से एक सूक्ष्म शरीर स्त्री की योनि में छोड़ता है, तब आसपास की प्रकृति में विलीन आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में स्थानांतर होती है और 9 महीने तक गर्भ में रहती है। जैसे ही उनका जन्म होता है, तब वो बच्चा पहले ही रोने लगता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं, एक जो आकर ही रोने लगे और दूसरा जो बहुत शांत और एक ध्यान अवस्था में आंखें बंद करके जन्मे। आपने एक अनुभव किया होगा कि जब आप एक गहरी नींद अवस्था में होते हैं और कोई डरावना सपना चल रहा हो और अचानक से आप नींद से उठे, तब आप कुछ क्षण के लिए डरा हुआ महसूस करेंगे। बस यही चीज उस जन्मजात शिशु के साथ भी होती है। जब उसकी आत्मा लाखों योनि घूम के और बुरे अच्छे अनुभव करके आई हो और अचानक से नींद से उठ जाए, तब उसे कुछ पल के लिए डर लगता है और इसी कारण वो रोने लगता है। फिर आगे वही सिलसिला शुरू होता है जिंदगी जीने का। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, चेतना उसके विचारों द्वारा बोलती है, कोई व्यक्ति उसे सुनता है या फिर कोई व्यक्ति उसे ओवरथिंकिंग का नाम देकर उसे दबाने की चेष्टा करता है। अब आगे जब कोई योगी पुरुष अपना शरीर छोड़ता है, तब सभी चीज इनसे विपरीत दिशा में होती है। जियो वंजारा कविता में बताया गया है कि एक योगी अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर का त्याग करता है और वो अपनी चेतना के साथ एक लंबे सफर पर चला जाता है, जिसे शास्त्र ने ब्रह्मलीन कहा है, कि जिसमें जीव अपनी मर्जी के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में घूमता है और पूरी प्रकृति की रचना का आनंद उठाता है। वो जब चाहे तब किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है और जब चाहे तब किसी भी योनि से अवतार ले सकता है, क्योंकि उनके विचार और उनके अनुभव उनके साथ ही होते हैं। इस घटना को धर्म द्वारा मोक्ष कहा जाता है, कि जिसमें जीव शरीर छोड़ने के बाद भी अवचेतन अवस्था में रहता है। जैसे कृष्णा गीता में कहते हैं कि एक योगी की आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद भी अवचेतन होकर स्थानांतर होती रहती है। इसलिए कृपया अपने विचारों को बंद करने का या फिर उसे दबाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको इस प्रकृति ने सोचने की शक्ति दी है। अब दूसरा सॉल्यूशन है मेडिटेशन। हमारे दिमाग के सेंटर वाले हिस्से में एक खाली विभाग होता है, जिसे यौगिक विज्ञान की भाषा में अवकाशी मन कहते हैं। हमारे जो भी विचार होते हैं, वो सभी विचारों का उद्गमन अवकाशी मन से होता है। अवकाशी मन के विचार हमारे पाचन शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। जब भी हमारा पेट खाली होता है, तब हम ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि विचार करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में अलग अलग बहुत विभाग होते हैं, जिसमें दिमाग के भी 2 विभाग हैं। शरीर ब्रेन से अलग होता है, या फिर लेफ्ट दिमाग राइट बॉडी को हैंडल करता है। और सामने विपरीत यौगिक विज्ञान कहता है कि हमारा जो पूरा ये शरीर है, वो सभी एक ही पंचभूत से बना हुआ है, जिसमें मन और तन एक ही है। समझ रहे हो इस बात का मतलब? ये जो पूरा शरीर दिख रहा है, वो पूरा एक मन ही है, कि जिसके अंदर एक प्रकृति की चेतना है जो हमारे कर्म को अनुभव कर रही है। आजकल ज्यादातर लोग भूतकाल के कर्म या फिर भविष्य की चिंता में ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अगर कर्म की परिभाषा समझे तो पुराने कर्म फल जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जो हम काम करते हैं, उनका परिणाम आज और अभी मिले बस, उसे कर्मफल कहते हैं। अगर कोई आग में हाथ डाले तो उसका परिणाम उसे तुरंत मिलेगा, ना कि अगले जन्म में या फिर 10 साल के बाद। वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं और परिस्थिति के अनुसार जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसे कर्मा कहते हैं।
और जितने अच्छे कर्मा उतने अच्छे परिणाम। कर्मेणैव धर्मं प्राप्यते, अर्थात कर्म द्वारा ही होता है धर्म का पालन। जैसे मैंने पीछे बताया कि जब कोई ऐसा कर्म हमारे से भूतकाल में हो जाता है, तब हमारा मन बार बार उस घटना को सामने लाता है और विचार करता है। पर जब हम बस उस विचार को एक श्रोता की तरह सुनते हैं, तब हम पाते ही कि हमारा जो भूतपूर्व कर्म भूल थी, उस भूल को हमारा मन विचार के माध्यम से हमारे मन से हटाना चाहता है, पर हम उसे गिल्टी का नाम देकर उसे दबाने का या फिर अल्कोहल पीकर उसे बंद करने का काम करते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो हमारे अंदर विचार है वो विराट निरंजन निराकार की चेतना से आ रहे हैं, इसलिए इसको दबाने का या फिर बंद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मनुष्य की इतनी शक्ति कहां कि उस विराट शक्ति को दबा सके। एक बात समझे, आप जिसे दबाने का या फिर बंद करने का काम कर रहे हैं, वो एक विराट चेतना है जो प्रकृति में हर जगह समाविष्ट है। उससे दबाकर बंद करना समाधान नहीं है, उसे सुनना और समझना उसका समाधान है। जैसे हम अपनी पाचन क्रिया को बंद नहीं कर सकते, उसी तरह हम अपने विचारों को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि विचार हमारे दिमागी अंग का काम है। अगर भविष्य की चिंता या फिर किसी बात का डर सताता हो, तो उसे विज्ञान की भाषा में GAD यानी कि जनरलाइजल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर GAD को जड़मूल से मिटाना हो, तो अगली बार जब भी आपको किसी बात से डर लगे या फिर किसी भी भविष्य की बात से चिंता हो, तो आंख बंद करें और अपने मन को सुने। जब आप अपने मन की सुनेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका मन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और बस आपको चिंता ही व्यक्त कर रहा है। अगर आप उनकी हर कोई बात का लॉजिकल जवाब देते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आपका मन बोलता है, हमारे व्यापार में इस तरह की समस्या चल रही है, और अगर यह समस्या को सोल्व नहीं किया तो इतना बुरा हो जाएगा, बस कुछ इस तरह। जितने भी आपके मन ने आपसे प्रश्न करे हो, उन सभी प्रश्न के जवाब सामने पूरा तर्क से दीजिए। जैसे आप कोई चिंतित व्यक्ति से बात करो और कैसे उनकी सभी समस्या का बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हो, बस उसी तरह आप भी अपने विचारों से बात करें। कुछ समय अगर इस क्रिया का पालन भी करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप सालों से जिस संगत की या फिर जिस दोस्त की तलाश बाहर कर रहे थे, वो इंसान आपके अंदर ही सालों से चिंतित बैठा हुआ था। हो सकता है कि किसी की आदत हो अपने आप को सुनने की, पर कभी कभार हमारी अंदर की आवाज इतनी ज्यादा गति पकड़ लेती है कि हम सुनते सुनते थक जाते हैं। तो उनका एक ही समाधान है, अपनी सांसों पर ध्यान। जब भी ऐसी कोई समस्या खड़ी हो कि आप खुद आपके मन से थक जाए, तब बस आंख बंद करें और फुल्ली कंफर्टेबल अवस्था में आ जाए और बस अपनी सांस पे ध्यान दे। सांस पर ध्यान तब तक देना है जब तक आपको अपनी सांस में ठंडक महसूस ना हो। सांस ठंडी पड़ने के बाद फिर से अपने विचारों को सुने। उस समय आप महसूस कर सकेंगे कि आपके विचारों की गति बहुत ही कम हो चुकी है, जिसके कारण आपको मन में एक शांति और ठंडक का अनुभव हो रहा है। अब फिर से आगे वही प्रक्रिया, अपने आप को सुनो, और जब तब आप खुद को एक संतोषकारक जवाब ना दो, तब तक आंख खोलकर बाहर मत आइए। आगे तीसरा समाधान है, किसी से बातचीत करना। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं, उन लोगों को अनुभव होगा कि जब जब वो लोग अकेले बैठते हैं, तब मस्तिष्क में एक विचारों द्वारा उत्पन्न हुई गर्मी का अनुभव होता है। उसके पीछे का यही कारण होता है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बात कम करते हैं, तो दिमाग द्वारा एक विचारों की गर्मी पैदा होती है। जैसे हमारा पेट डाइजेस्ट करता है, तो कैसे ऊर्जा का उपयोग करता है,
बस उसी तरह हमारा दिमाग भी सोचने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। इसे यौगिक विज्ञान में विचारों की ऊष्मा कहा जाता है। अगर आप गुस्से से भरे कोई भी विचार करते हैं तो वो विचार कुछ देर से ज्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो विचार शरीर में इतनी ऊष्मा पैदा करता है कि व्यक्ति में कुछ क्षण के लिए जोश भर जाता है। और अगर उस ऊर्जा का उपयोग ना किया जा सके तो फिर वही ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में समस्या पैदा करती है, जैसे कि ओवरथिंकिंग, चिंता और डर। आपने कहीं महान लोगों में देखा होगा कि उनकी सोचने की रीत और सोच की गुणवत्ता आम व्यक्ति से अलग होती है। अगर इसके पीछे का यौगिक विज्ञान देखे तो हमारे रीढ़ एक मैकेनिज्म स्प्रिंग की तरह काम करती है। जैसे स्प्रिंग के ऊपर या फिर नीचे से दबाव आता है तो कैसे एक मैकेनिज्म एनर्जी उसमें क्रिएट होती है, और जैसे ही स्प्रिंग उनकी नॉर्मल अवस्था में आ जाए तो वो मैकेनिज्म ऊर्जा एक आउटर फोर्स में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाती है। बस कुछ इस तरह हमारी रीढ़ भी काम करती है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं या फिर संभोग करते हैं, तब इस रीढ़ के नीचे वाले भाग पर एक दबाव का सर्जन होता है और रीढ़ के निचले भाग और मूलाधार चक्र में एक ऊर्जा ऊपर उठती है जो 33 रीढ़ की हड्डी में से गुजर के न्यूरोमास्कुलर सिस्टम तक स्पर्श करती है और कुछ देर बाद फिर से नीचे उतर जाती है। हो सकता है कि ये महसूस हर कोई के लिए एक समान ना हो। स्त्री को ये अनुभव बिना कोई पुरुषार्थ या फिर दर्द के बिना भी हो सकता है, या फिर कोई पुरुष को काफी दर्द महसूस भी हो सकता है। जब ये ऊर्जा हमारी न्यूरोमास्कुलर सिस्टम को छूती है तब एक उम्दा ठंडक महसूस हो सकती है, पर ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि बहुत कम लोग इसे ऊपर की ओर लंबे समय के लिए रख सकते हैं, और जिसने भी रख लिया उनके विचारों की क्षमता असीमित हो जाती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि यह प्रकृति आपके माध्यम से अच्छे और बुरे अनुभव कर रही है। कृपया अपने विचारों के साथ जरा शांति और प्रेम से व्यवहार करें और मित्रता स्थापित करें, और कृपया करके उसे ड्रग्स, अल्कोहल और दूसरी चीजों से दबाने का काम ना करें, क्योंकि आपके अंदर एक विराट परमात्मा विराजमान है जो हर कीमत पर आपकी सलामती चाहता है।